प्रेमी से बदला लेने के लिए मासूम के साथ दरिंदगी, चाकू से मासूम के चेहरे पर किए कई बार, प्रेमी के धोखा देने से नाराज थी प्रेमिका, शादीशुदा प्रेमी प्रेमिका को छोड़कर लौट आया घर, नाराज प्रेमिका ने प्रेमी के मासूम बेटे का कर लिया अपहरण, मासूम पर चाकुओं से किया वार, मरा समझकर मासूम को छोड़ गई प्रेमिका, प्रेमिका का खौफनाक बदला, जानने के लिए आप बने रहिए न्यूज स्टेट के साथ। पति पत्नी और वो की एक ऐसी दास्तां है जिसमें मासूम को पिता की इश्कबाजी का खामियाजा भुगतना पड़ा। शादीशुदा प्रेमी की बेवफाई से नाराज प्रेमिका ने उसके 4 साल के बेटे से बदला लेने के लिए उसका अपहरण कर लिया और उसके साथ बेइंतहा दरिंदगी की। ये सच्ची कहानी पति पत्नी और वो के रिश्ते और बेवफाई से नाराज प्रेमिका के खौफनाक बदले की है। दिल्ली में एक युवक पत्नी को छोड़कर अपनी प्रेमिका के साथ लिव इन में रहने लगता है। सब कुछ सही चल रहा था। इसी बीच एक दिन प्रेमी प्रेमिका को छोड़कर वापस घर लौट आता है और पत्नी के साथ रहने लगता है। प्रेमी की बेवफाई से नाराज प्रेमिका उसके मासूम बेटे का अपहरण कर लेती है। प्रेमिका ने मासूम के साथ जो दरिंदगी की उसे सुनकर किसी की भी रूह कांप सकती है। प्रेमिका ने पहले 4 साल के मासूम के चेहरे को चाकुओं से गोदा, फिर उसे मरा समझकर गाजियाबाद के कौशाम्बी इलाके में फेंक कर चली गई। खून से लथपथ बच्चा बेहोशी की हालत में कौशाम्बी की नर्सरी के कर्मचारी को मिला। कर्मचारी ने पुलिस को बच्चे की सूचना दी। इस समय हम कौशाम्बी की उसी नर्सरी में हैं जहां वो बच्चा बेहद जख्मी हालत में मिला था। उसके चेहरे पे ईंट और चाकू से वार किए गए थे। हम आपको बताते हैं कि वो बच्चा कहां दिखाई दिया था। असल में पुलिस को सूचना मिली नर्सरी के लोगों से कि इस नर्सरी के अंदर एक बच्चा खून से लथपथ हालत में है। आप देख सकते हैं कि नर्सरी का एक गेट है जो खुला हुआ है इस वक्त, और इस वाले पोर्शन में यहाँ कोई आता जाता नहीं है। आमतौर पे क्योंकि ये प्राइवेट नर्सरी है, यहाँ पे गार्डनिंग की जाती है, पौधे वगैरह रखे जाते हैं। इसी में इस वाले पॉइंट पे यहाँ पे बच्चा खून से लथपथ हालत में था। और आप देख सकते हैं कि आसपास जो है ये सोसाइटियाँ हैं, पॉश एरिया है, सामने ही रेडिसन ब्लू होटल है। और इस जगह पे जब बच्चे को खून से लथपथ हालत में बेहोशी में देखा गया तो नर्सरी के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। नज़दीकी कौशाम्बी चौकी है, कौशाम्बी चौकी का स्टाफ यहाँ पे आया और उस बच्चे को फौरन यहाँ से यशोदा अस्पताल ले गया। यशोदा अस्पताल की भी दूरी यहाँ से ज़्यादा नहीं है और उस बच्चे को इलाज के लिए वहाँ पे दाखिल कराया। मौके पर पहुंची पुलिस ने देखा कि बच्चे की सांसें चल रही हैं। पुलिस ने उसे फौरन यशोदा अस्पताल में भर्ती करा दिया। पुलिस ने अस्पताल प्रशासन से बच्चे का सही इलाज करने का अनुरोध किया। पुलिस ने अस्पताल प्रशासन को पैसों को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त कर दिया। 5 दिन आईसीयू में भर्ती रहने के बाद बच्चे की हालत में सुधार होता गया। डॉक्टरों ने मासूम के चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी भी की। मासूम के इलाज पर करीब 2.5 लाख रुपए का खर्च आया। गाजियाबाद पुलिस के प्रयासों को देखते हुए अस्पताल प्रशासन ने पूरा बिल माफ कर दिया। बच्चे को लाया, वो काफी गंभीर अवस्था में था, काफ़ी ब्लीडिंग हो रही थी बच्चे को और डिहाइड्रेटेड था, ऑलमोस्ट शॉक में था। सारा इलाज डॉक्टर नर्सेस ने किया, काफ़ी गहरे और मतलब कहते हैं ना कि एक बड़े अमानवीय तरीके से जो की चोटें थी चेहरे पे बच्चे की। पति पत्नी और वो के बीच मासूम के साथ दरिंदगी की घटना डराने वाली है। पिता की इश्कबाजी का कितना बड़ा खामियाजा उसके बच्चे को भुगतना पड़ा ये हमारे सामने है। अवनीश, न्यूज़ टीम, दिल्ली।
4 साल का मासूम गाजियाबाद पुलिस को अधमरी हालत में मिला था। पुलिस ने पहले तो अपनी जेब से लाखों रुपए खर्च कर उस बच्चे की जान बचाई और जब उस बच्चे को होश आया तब उसने पुलिस को सुनाई एक दिल दहला देने वाली कहानी। मासूम की हत्या के प्रयास के इस मामले में पुलिस के दो चेहरे सामने आए। बच्चे के परिजनों ने जहां दिल्ली पुलिस पर मामले में लापरवाही बरतने और प्रताड़ित करने का आरोप लगाया, वहीं यूपी पुलिस को परिजन उनके बच्चे के लिए फरिश्ता बताया। नर्सरी में जब जख्मी बच्चे की सूचना पुलिस को मिली तो कौशाम्बी पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और बच्चे को निजी अस्पताल में भर्ती कराया। शाम को सूचना मिली थी कि एक बच्चा लावारिस हालत में, चोटिल हालत में, रेडिसन ब्लू होटल के पास एक नर्सरी है, वहाँ उसको चोटिल अवस्था में मिला था। चेहरे पे काफ़ी चोटें थी उसके, तो उसको उसके बाद मेरी टीम के द्वारा और मेरे द्वारा ले जाके एक पास के एक अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहाँ पर कुछ बिल का इशू आ रहा था। तो बिल के लिए हमारे द्वारा कहा गया कि पेमेंट के बाद में पहले प्राथमिक उपचार उसको ठीक से दिया जाए, उसका उसको उपचार हेतु भर्ती कराया गया। बच्चे के परिजनों के बारे में पुलिस को कोई जानकारी नहीं थी। पुलिस उनकी तलाश में लगी हुई थी, लेकिन तब तक बच्चे की देखभाल कौन करेगा, ये बड़ा सवाल था। ऐसे में चौकी के ही हेड कांस्टेबल विपिन और उनकी पत्नी बच्चे के पेरेंट्स बने और बच्चे की देखभाल की। हाँ, उसको रिकवर होने में 4 से 5 दिन लगे। नेक्स्ट डे उसको ऑपरेशन हुआ था, वहीं हॉस्पिटल में सर्जरी की गई थी उसकी। और पर्सनल केयर के लिए मेरे कांस्टेबल विपिन है इधर, तो विपिन का पूरा परिवार, इसके छोटा बच्चा और इसकी वाइफ जो है वहीं रुके 2-3 दिन, उस बच्चे को थोड़ा कंफर्टेबल फील कराया। 5 दिन तक आईसीयू में रहने के बाद बच्चे की हालत में सुधार हुआ। पुलिस ने बच्चे के परिजनों का पता लगाया और उन्हें मामले की सूचना दी। मासूम की जान बचाने के लिए फरिश्ता बनकर आए इन पुलिस कर्मियों ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि खाकी से डर कर नहीं बल्कि उसका सहयोग कर ही अपराधियों पर लगाम लगाई जा सकती है। गाजियाबाद से अनीश चौधरी के साथ टीम न्यूज स्टेट। मासूम के साथ दरिंदगी के मामले में दिल्ली पुलिस की लापरवाही भी साफ उजागर हुई है। पुलिस ने पहले जहां पीड़ित बच्चे के पिता को प्रताड़ित किया तो वहीं जांच में भी लापरवाही बरती। वकील साहब आलम की मदद से पीड़ित पक्ष को न्याय की उम्मीद अब बंधी है। कोर्ट ने दिल्ली के दयालपुर थाने के जाँच अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। शादीशुदा प्रेमी की बेवफाई के बाद प्रेमिका शाहाना ने 15 मई 2019 को 4 साल के मासूम का अपहरण कर लिया। 19 मई को मासूम घायल अवस्था में कौशाम्बी इलाके में पाया गया। पुलिस ने इलाज के लिए उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया। इलाज के बाद 23 मई को मासूम को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। मासूम की मां जहां दिल्ली पुलिस पर लापरवाही का इल्जाम लगा रही है, वहीं मासूम के लिए इंसाफ की मांग भी कर रही है। यूपी पुलिस वाले आए, उन्होंने मेरे बच्चे को भर्ती कराया अस्पताल में, वो एक फरिश्ता बनकर, और उन्होंने मेरे बच्चे को बचाया। और दिल्ली पुलिस वालों ने कोई कार्रवाई नहीं की और मेरे बच्चे को ना ही कोई गौर की। आपका बच्चा ठीक है अभी, और क्या चाहते हैं? मेरा बच्चा फिलहाल बिल्कुल ठीक है, ऊपर वाले की दया से मेरा बच्चा बच गया है। बस मैं ये चाहती हूँ मुझे इंसाफ मिले और मेरे बच्चे को भी इंसाफ मिले और उसको सजा हो। मासूम के माता पिता दिल्ली पुलिस की जांच से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। पीड़ित पक्ष के वकील सुहेब आलम ने इस मामले की जांच पर अदालत में निरीक्षण की याचिका दाखिल की है। अदालत ने दिल्ली के दयालपुर थाने के जांच अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए और जांच रिपोर्ट मांगी। पीड़ित बच्चे और उसकी माँ का CRPC की धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज कर लिया गया है। जिस 4 साल के बच्चे के चेहरे पे शार्प वेपन से हमला किया गया, उसके सिर पे चोट पहुंचाई गई और दिल्ली पुलिस ने उस मामले की जांच में हद लापरवाही बरती, उस मामले में उनको न्याय दिलाने में जिन एडवोकेट ने उस परिवार की मदद की है, उनका नाम है एडवोकेट सुहेब आलम और वो इस समय हमारे साथ हैं। उनसे जानते हैं कि क्या ये पूरा मामला है। सुहेब जी, ये मामला कैसे आपके पास आया, पूरा वाक्या क्या है? इस बच्चे को जिसको इंजरी कोज की गई है, इस बच्चे का अपहरण 15 तारीख को शाहाना नाम की लेडीज ने किया था जी। और इस ये बच्चा यशोदा अस्पताल गाजियाबाद में मिला था 19 तारीख को। सबसे पहले पुलिस को जो है क्राइम टीम को ले जाना चाहिए था वो स्पॉट पे जहाँ पे घटना कोज की गई है, और क्राइम टीम से इंस्पेक्शन करा के इसकी फोटोग्राफी करानी चाहिए थी, लेकिन नहीं कराई। और नेक्स्ट डे
अगर बच्चा फिट फॉर स्टेटमेंट डिक्लेयर किया गया था हॉस्पिटल की अथॉरिटी की तरफ से, तो उसके 164 सीआरपीसी के बयान कराने थे कोर्ट में लागे, लेकिन पुलिस ने वो भी नहीं कराए। जो मजिस्ट्रेट ने गढ़गढ़ में कंसर्न थाने के, उनके यहाँ मॉनिटर हमने 3 तारीख में फाइल की, 6 तारीख को हमारी एप्लीकेशन लिस्ट हुई, जिसमें आईओ एएसआई हीरालाल पेश हुआ, और हमने कोर्ट को बताया सबमिशन किया कि ये इन्होंने सब इन्वेस्टिगेशन में नहीं किया है अभी तक। तो उनकी केस डायरी मजिस्ट्रेट साहब ने देखी, तो उसमें केस डायरी में देखा कि इन्वेस्टिगेशन में कुछ भी नहीं किया गया था उसके मुलजिम के गिरफ्तार होने के बाद, 21 तारीख के बाद कुछ भी उसमें नहीं था केस डायरी में। केस डायरी को पेजिंग कराया मजिस्ट्रेट ने और उस पर साइन किए ताकि अब ये मैनिपुलेशन ना करें। उन्होंने क्या गौर किया कि केस डायरी में कितने दिन से ये एंट्री नहीं थी? उसमें 6 तारीख को जब हमने देखा लिस्ट वाले दिन, तो उसमें 9 दिन से कोई एंट्री, 9 दिन पहले से कोई केस डायरी में प्रोग्रेस नहीं थी। सब कुछ जो ओरल सबमिशन आईओ ने किए थे वो सब कोई भी रिकॉर्ड पे नहीं था। कोर्ट ने आईओ एएसआई हीरालाल के खिलाफ डीसीपी को डायरेक्शन दी कि इसके खिलाफ एक्शन लिया जाए और अगर नेक्स्ट डेट पे एसएचओ इन पर्सन अपीयर हो कोर्ट को अप्राइज करने के लिए। और नेक्स्ट डेट जो है 29 जून लिस्ट किया गया मैटर को, जिसमें आईओ के साथ एसएचओ भी आए और कोर्ट को अप्राइज करने की कोशिश की, लेकिन कोर्ट उनके जवाब से सेटिस्फाई नहीं हुई, क्योंकि जो सीसीटीवी फुटेज है घटना की, घटना से संबंधित है, उस वो इंक्रीमेंटिंग एविडेंस है और बहुत अच्छी एविडेंस है मुलजिम के खिलाफ, लेकिन उसे तक को भी पुलिस ने सीज नहीं किया था। इस मामले में दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि मामला अदालत में विचाराधीन है, इसलिए वो इस मामले में कुछ भी नहीं कह सकते। कोर्ट के आदेश पर मामले की जाँच एएसआई से लेकर दयालपुर एसएचओ को सौंप दी गई है। केस में हत्या की कोशिश की धारा भी जोड़ दी गई है। आरोपी महिला को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। अवनीश चौधरी, न्यूज स्टेट, गाजियाबाद। यहां रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें जारी हैं, आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।